हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू मास्क रिएक्शंस। कैसे आप सब? आई होप यू ऑल डूइंग रियली गुड। और जिस वीडियो में रिएक्शन करने वाली हूँ, बहुत मज़े की होने लगी है, क्योंकि ये है टॉप 10 अनबिलीवेबल फील्डिंग एफर्ट्स बाय इंडियन क्रिकेटर्स। इंडियन क्रिकेटर्स में कुछ फील्डर्स ऐसे हैं जिनकी बड़ी धूमे होती हैं, जिनका बड़ा नाम है, जिनके कैचेस, जिनके चौके छक्के रोकने के तरीके बड़े मज़े के होते हैं, डिफरेंट होते हैं और मुश्किल होते हैं। सो देखते हैं कि कौन कौन है इस वीडियो में, कैसे कैसे जो है वो फील्डिंग के अनबिलीवेबल मोमेंट्स हैं। सो सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जल्दी से वीडियो को प्ले करते हैं और आपने मुझे बताना है कि इसके अलावा और किस पर रिएक्शन किया जाए। और इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। सो देखते हैं कि कौन कौन है वीडियो में, एंड लेट्स प्ले दिस। इंडियन क्रिकेट टीम के 10 सबसे खतरनाक फील्डर्स। नंबर एक, रविंद्र जडेजा। भारत की तो बात ही छोड़ो, रविंद्र जडेजा तो वर्ल्ड क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ फील्डर है। मौजूदा आईसीसी रैंकिंग में भी इनको नंबर वन फील्डर का दर्जा मिला है। फील्डिंग में रविंद्र जडेजा की रफ्तार किसी जंगल के चीते से कम नहीं। कई बार जडेजा ने अपने इस खतरनाक अंदाज से कैच पकड़कर मैच का रुख टीम इंडिया की तरफ मोड़ दिया है। इसका जीता जागता एग्जाम्पल 2019 में इंग्लैंड के खिलाफ सबने देखा था। जडेजा मैदान पर इतने फुर्तीले होते हैं कि उनकी तरफ बॉल जाती है तो बैट्समैन रन भागने से भी डरता है। अब यहाँ ही देख लो 2023 वर्ल्ड कप का ये कैच वर्ल्ड कप के बेस्ट मोमेंट में भी गिना जाता है। नंबर दो, विराट दुनिया के महान बल्लेबाज होने के साथ विराट कोहली एक शानदार फील्डर के रूप में भी जाने जाते हैं। आप इनसे कहीं भी फील्डिंग करा लो, इनसे सर्कल में फील्डिंग करा लो, इनसे डीप में फील्डिंग करा लो, या इनका थ्रो देख लो, आप इनकी कैच पकड़ने की काबिलियत देख लो, हर एक कंडीशन में उनका एक परफेक्ट वर्जन बाहर निकल कर आता है। और ये एनर्जी और एफर्ट्स जो इनका मैदान पर देखने को मिलता है, वो दूसरे खिलाड़ियों को बहुत मोटिवेट करता है। आज 35 प्लस की उम्र में भी इनका फिटनेस यंग क्रिकेटर्स को काफी प्रभावित करता है। अब इस रन आउट को आप 100 में से कितने नंबर देंगे, आप खुद ही बताओ। ओह माय गॉड, वाओ, बैट्समैन बेचारा समझ नहीं आई उसको। नंबर तीन, रैना, तेरा क्या कहना। मुश्किल से मुश्किल कैच रैना के लिए बाईं हाथ का खेल रहता था। अगर गेंद इनके पास से गुजरती तो वो चुंबक की तरह इनके हाथों से चिपक जाती थी। इस खिलाड़ी ने कई बार अपनी फील्डिंग से मैच को एक अनोखा मोड़ भी दिया है। अपने इस खतरनाक फील्डिंग से वो स्लिप में भी कई बैट्समैन का कैच से शिकार बना चुके हैं। नंबर चार, इस फील्डिंग की रेस में कोई श्रेयस अय्यर को कैसे भूल सकता है। चुस्त और तंदुरुस्त अय्यर जहां बाउंड्री पर खड़े खड़े बैट्समैन को अपने थ्रो से रन आउट कर सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ छक्के वाली बॉल को सिंगल में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। श्रेयस मैदान पर इतने एक्टिव होते हैं कि बाउंड्री पर शायद ही कोई ऐसी दीवार हो जिसे पार कर पाना उनके लिए नामुमकिन है। अब इस कैच को ही देख लो। नंबर पांच, कुछ सालों से देखा जाए तो केएल राहुल टीम इंडिया के बेहतरीन फील्डर्स की लिस्ट में अपना नाम बना चुके हैं। आपको इंग्लैंड के खिलाफ इनका बाउंड्री फील्डिंग एफर्ट तो याद ही होगा। अपने इस खतरनाक फील्डिंग से केएल राहुल स्लिप में भी कई बैट्समैन का कैच से शिकार बना चुके हैं। साथ ही इनका डायरेक्ट हिट सीधा तीर की तरह निशाने पर लगता है। अब यहाँ ही देख लो 2022 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी लगता है कि अपनी इंडियन क्रिकेट टीम के फील्डर्स दुनिया के सबसे बेस्ट फील्डर्स हैं, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। नंबर छः, इन जनाब को चाहे बैटिंग करा लो, चाहे बॉलिंग करा लो या चाहे फील्डिंग, ये खिलाड़ी सर्व गुण सम्पन्न है। हार्दिक पांड्या के आते ही टीम इंडिया की फील्डिंग और मजबूत हुई है। हार्दिक ने टीम के लिए कई ऐसे कैच पकड़े हैं जिसने मैच का रुख पलट दिया है। हार्दिक पांड्या मोहम्मद कैफ की तरह ही हवा में डाइव मारने के लिए जाने जाते हैं, और इस तूफानी फील्डिंग से ही आज क्रिकेट में ये अपना अच्छा नाम भी बना चुके हैं। नंबर सात, युवराज सिंह को 6 बॉल में 6 छक्के मारने और 2011 वर्ल्ड कप में पावरफुल परफॉर्मेंस के लिए तो हर कोई जानता है, लेकिन एक फील्डर के तौर पर ही इज ट्रूली एक्सेप्शनल। युवराज सिंह को आप पॉइंट पर खड़ा कर दो या स्क्वायर पे, मतलब बॉल कितनी भी दूरी पर हो,
ये डाइव मारकर जैसे कोई आम तोड़कर किसी तरीके से बॉल को पकड़कर ले ही आते थे। अपनी बॉडी की बिना परवाह किए कई बार युवराज ने हवा में कूदकर बॉल पकड़ा है, जिसके कारण उन्हें कई बार घायल भी होना पड़ा है। कई बार युवराज ने अपने डायरेक्ट हिट थ्रो से पलक झपकाते ही मैच का रुख पलट कर भी दिखाया है। नंबर 8, जब इंडियन टीम का फोकस सिर्फ बैटिंग और बॉलिंग पर था, तब मोहम्मद कैफ ने भारतीय फील्डिंग में एक इवोल्यूशन ला दिया। आज से 2 दशक पहले मोहम्मद कैफ बॉल पर चीते की तरह झपट्टा मारते थे और अपने शरीर को हवा में झोंक देते थे। उन दिनों में जहां बाकी प्लेयर्स डाइव मारने से भी कतराते, वहां ये उछल कूद कर मुश्किल से मुश्किल कैच भी लपक लेते थे। कैफ वो फील्डर है जिन्होंने भारतीय फील्डिंग में एक क्रांति ला दी थी। हर मैच में कैफ अपनी फील्डिंग के दम पर कम से कम 10-20 रन टीम के लिए जरूर बचाते थे। नंबर 9, मनीष पांडे का क्रिकेट करियर भले ही उतार चढ़ाव से भरा रहा हो, लेकिन उन्होंने अपने फील्डिंग के दम पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। अगर किसी बैट्समैन का कैच मनीष पांडे के पास चला जाए तो शायद ही वो कैच मिस हो। कई मैच में मनीष ने उम्दा फील्डिंग का प्रदर्शन किया है। डेविड वार्नर के इस कैच पर मनीष पांडे के लिए एक लाइक तो बनता है। अच्छा, मनीष पांडे पे रिएक्शन जल्दी आने वाला है, क्योंकि ये मेरे नंबर 10 नहीं हो सकते। संजू सैमसन एक बेहतरीन क्रिकेटर होने के बावजूद भारतीय टीम में जगह बनाने से हमेशा अनलकी रहे, लेकिन संजू सैमसन ने भारत के बेस्ट फील्डर्स की लिस्ट में जरूर जगह बनाई। यहाँ पे भले सूर्य कुमार यादव संजू को विकेट कीपिंग करते हुए ज्यादातर देखा गया हो, लेकिन जब मौका उनको फील्डिंग करने का मिला तब वहाँ भी उन्होंने अपना खूब जौहर दिखाया। बाउंड्री के पार छक्के के लिए जा रही कई गेंदों को उन्होंने सिंगल में तब्दील किया है। ऐसे ही उनको सुपरमैन संजू थोड़ी ना कहा जाता है। वाओ, ये जो उड़ उड़ के जो कैच पकड़ता है ना, बाउंड्री से मेरा फेवरेट पार्ट है ये। वाओ, ऐसे लग रहा है जैसे ये कोई मूवी का सीन चल रहा है। इंडियन क्रिकेट टीम मैं सोच रही हूँ कि बीच में और भी हो सकते थे। सूर्य कुमार यादव ने जो वर्ल्ड कप में किया है, वो वर्ल्ड कप मुझे तो लगता है उनको क्रेडिट मिलता है वो जितवाने का, क्योंकि वो कैच अगर ना होता और हार्दिक पांड्या वो लास्ट वाले ओवर पे इतने अच्छी बॉलिंग नहीं करते तो वो शायद वर्ल्ड कप हाथ से निकल गया होता। तो हार्दिक पांड्या वॉज इन द लिस्ट, बट सूर्य कुमार यादव लिस्ट में नहीं थे। मैं उनको ऐड करना चाहूँगी लिस्ट में। सो और भी आई थिंक धोनी, ऋषभ पंत सब विकेट कीपिंग में आएंगे। सो विकेट कीपर्स की भी एक अलग कैटेगरी है, सो उसको भी देखेंगे। ऋषभ पंत को तो कहा जाता है कि वो अब धोनी को न्यू धोनी कहा जाता है उनको। और मनीष पांडे को मैंने देखा नहीं है, उनपे मैं रिएक्शन करूँगी। मुझे सजेशन उन पर आते जाते हैं, सो मुझे मनीष पांडे का इतना पता नहीं है अभी, सो आई विल रिएक्ट ऑन हिम। और जो दो और थे जो थोड़े से काफ़ी साल पहले, कि मोहम्मद कैफ एंड एक और थे, उनका मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि वह कौन है, लेकिन मनीष पांडे पर रिएक्शन आएगा। और जो नए और क्रिकेटर्स हैं जो कुछ चल रहा है, इसके अलावा जो ट्रेंडिंग रील्स हैं उन पर बहुत सजेशन आते हैं, सो वो मैं ज़रूर रिएक्शन करती रहूँगी उन पर। So subscribe my channel, like and share this video or suggest me more videos. Milte hain next video mein kisi aur interesting si video ke saath. Tab tak ke liye good bye.